हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल एबीसी कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट विषयों के बारे में, जिसमें लोगों में भ्रम है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वर्ग 3 के बारे में ही बात करेंगे। वर्ग 3 में जो अभी जो 4 तारीख है लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की, वो अभी एक बार और बढ़ सकती है। तो अभी लगभग 6.5 लाख के आसपास फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने डाला नहीं है फॉर्म, वो अपना जल्दी से जल्दी डालें, और NIO से वाले भी डालें फॉर्म, क्योंकि NIOS वालों में हो सकता है कोई आने वाले समय में कोई चेंजेस आ जाए। बाकी का भी जो एज है वो 18 वर्ष हो ही गई, जो 18 वर्ष के हैं जो कैंडिडेट वो अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि मिनिमम एज अब 18 हो गई है 21 से घटकर। अगली चीज है कि आज हम बात करेंगे मेन मुद्दे पर कि वर्ग 3 में क्या क्या सिलेबस आने की संभावना है, यानी क्या क्या आएगा। संभावना है नहीं, जो सिलेबस में है आपको मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि आप PEB की साइड बजाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। तो जो सामान्य सिलेबस है, तो वर्ग 3 में पहली चीज है कि आपको गणित, मैथ्स, नंबर 2 पर्यावरण, नंबर 3 बाल विकास, नंबर 4 भाषा 1 और भाषा 2, ऐसा लिख लिख सकते हैं अपन। आप भाषा 1, जो भाषा 1 है, तो भाषा 1 में अगर मान लो आप अंग्रेजी लेते हैं, तो आपको मान लो भाषा 1 में हिंदी लेते हैं, तो आपको चेंज करके लेना पड़ेगा, यानी आपकी टोटल भाषा कितनी होगी। आपकी टोटल भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, यानी इन 4 भाषाओं में से आपको पहली भाषा जो लेना है वो आप पहली भाषा ले सकते हैं, और दूसरी भाषा जो लेना चाहें वो दूसरी भाषा ले सकते हैं। यानी इन 4 भाषाओं में आपकी फर्स्ट सेकंड भाषा अपनी चुन सकते हैं ना, दोनों एक ही भाषा नहीं ले सकते। पहली चीज़, अब बात करेंगे अपन विषयों के बारे में कि गलत गणित में विषय से संबंधित और पेडागोजी, जैसे जैसे शिक्षा शास्त्र कहा जाता है ना। तो 15 नंबर की आएगी आपकी गणित, यानी मैथ्स। 15 नंबर का आएगा आपका मैथ्स का शिक्षा शास्त्र, ठीक। इसके बाद करेंगे अपन पर्यावरण में, 20 नंबर की पर्यावरण, 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र। इसके बाद बाल विकास में बात करेंगे, बाल विकास का अलग सिलेबस है, 10 नंबर का बाल विकास है, 5 नंबर का समायोजन है और 15 नंबर का अधिगम है ना। और इसके बाद भाषा 1 जो भी है आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश की 15 नंबर का इंग्लिश और 15 नंबर की पेडागोजी इंग्लिश के। इसी प्रकार अगर जिन्होंने संस्कृत ली है, तो संस्कृत की 15 नंबर की संस्कृत और 15 नंबर की पेडागोजी, या जिन्होंने हिंदी ली है सेकंड भाषा, तो 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की हिंदी की पेडागोजी। तो वो चाहे तो अपने हिसाब से जो जो भाषा ली है उन्होंने फर्स्ट या सेकंड, उनके हिसाब से रहेगा सिलेबस। अब बात करते हैं
बाल विकास कितने नंबर का है टोटल, बाल विकास सॉरी शिक्षा शास्त्र और विषय कितने हैं, तो 15, 25, 15, 30, 45, 60 और 60 के बाद 70, यानी 70 नंबर का आपका क्या हो गया आपका बाल विकास। और 5 नंबर ये भी जोड़ सकते हो आप कौन से समायोजन के, यानी 75 नंबर का टोटल आपका ही होगा, है ना। ठीक, अब अगर बात करें 75 और 10, ये भी जोड़ सकते हो अगर चाहो तो आप बाल विकास के। अगर अपन बात करें इसमें तो 15, 20, 35 और 10, 45, 45 और 30, 75, है ना। तो 75 नंबर का ये आने की संभावना है ना। क्या आने की विषय, आपके जो विषय है मेन विषय, विषय से संबंधित। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उस विषय से इम्पोर्टेंट है कि आपको शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट की है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो आपके नंबर कम आने की संभावना है। और कंपटीशन काफ़ी टफ है। और वर्ग ये मत सोचिए कि आप वर्ग 3 का पेपर सरल है, वर्ग 1 के जैसा पेपर टफ है। और इसमें भी बहुत सारा सिलेबस है जिसमें आपको रेगुलर तैयारी करने की आवश्यकता है। और साथ ही EWS के अभी तक फॉर्म फिल नहीं हो पाए हैं, वो अपना फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि उसकी डेट और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उसकी पूरी अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो चाहे तो अपनी आने वाले समय में और भी उसकी डेट बढ़ेगी, तो आपको अपना फॉर्म फिल कर लें। तो EVS का लाभ तो सामान्य वर्ग को ही मिलेगा, केवल MP के निवासी को, अदर स्टेट को नहीं मिलेगा उसका। तो अपना फॉर्म भरें। साथ ही आपको वर्ग 3 की तैयारी में जुट जाएं जिनके वर्ग 2 में नहीं हो पाया है किसी कारणवश, वैकेंसी कम आने के कारण या कोई भी कारण से, तो क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आई थी, आने वाले समय में और भी बहुत सारी वैकेंसी आने की संभावना है, और अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।